एपिसोड 274 नीला मोती। तारा को शक हो रहा था कि इस जगह का शुद्धिकरण नहीं हुआ है, क्योंकि तारा वहां के वातावरण में नकारात्मक चीजों को महसूस कर सकती थी। लेकिन वो जानती थी ये बात अगर आदिनाथ जी से वो दोबारा कुछ पूछेगी तो हो सकता है उनको बुरा भी लगे। इसलिए तारा ने अपने अस्तर से ही उसको जांचने का सोचा और कुछ कपूर और लौंग अभिमंत्रित करके उस वशीकरण कक्ष के बाहर रख दिया। उसने सोचा कि कल सुबह आकर उसे देखेगी। तारा के वहां से जाने के बाद सुमेर, जो कि छुपकर ये सब कुछ देख रहा था, उसने अपने मन में कोई प्लानिंग कर ली। आदिनाथ को पहले से ही लग रहा था कि तारा इन लोगों के इस चीज पर यकीन नहीं कर पा रही है, इसलिए उसने सुमेर को वहीं पर तारा पर नजर रखने के लिए कह रखा था। वहां से लौटकर आने के बाद तारा कुछ सोच रही थी। विक्की उससे कोई बात कह रहा था। विक्की काफी देर तक अकेला ही बोलता रहा, पर जब तारा का कोई जवाब नहीं आया तब विक्की ने उससे पूछा, तुम मेरी बात सुन भी रही हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन तारा का तो जैसे ध्यान ही नहीं था उसकी बातों पर। विक्की ने हैरानी से पूछा, तारा क्या हो गया है तुम्हें? तुम सुन नहीं रही हो क्या? तारा एकदम से चौंकते हुए बोली, हाँ क्या कहा तुमने? विक्की बोला, क्या हो गया, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? जब से वहां से आई हो ना कुछ बोल रही हो ना कुछ सुन रही हो, पता नहीं क्या सोच रही हो, कहाँ खोई हुई हो, क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? लेकिन तारा बोली, नहीं कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी तो नहीं हुआ है। विक्की ने कहा, नहीं तारा कोई बात तो है, क्योंकि मैं वहां भी देख रहा था, तुम बहुत अजीब तरीके से सब कुछ देख रही थी और वहां भी तुम चुपचाप सी खड़ी थी, ऐसा लग रहा था जैसे तुम कुछ सोच रही थी। क्या हुआ है बताओ तो सही, हो सकता है कि अगर तुम मुझे बताओगी तो तुम्हारी प्रॉब्लम का कोई सलूशन निकले। तारा ने कहा, प्रॉब्लम कुछ नहीं है विक्की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आदिनाथ जी ने जो वहां किया है, मेरा मतलब है जो शुद्धिकरण किया उस जगह का, वो गलत है, उन्होंने सही से नहीं किया है, या यूं कहो कि उस जगह का शुद्धिकरण हुआ ही नहीं है। विक्की बोला, ये तुम कैसी बात कर रही हो तारा? देखो मैं मानता हूँ तुम भी इन चीजों के बारे में बहुत कुछ जानती हो, और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे सामने तो तुम PhD हो, लेकिन आदिनाथ जी तुम जानती हो वो भी कोई साधारण इंसान तो नहीं है ना, तुम्हारे सामने आदिनाथ जी PhD हो सकते हैं, है ना, तो तुम उनकी चीजों पर शक कैसे कर सकती हो? और वैसे भी वो गुरु देवदत्त जी के शिष्य हैं, तो वो कोई चीज करेंगे तो कुछ सोच समझ कर ही करेंगे। तारा ने कहा, वही तो बात है, उनकी जो पहचान है उसकी आड़ में मैं उनसे कुछ कह नहीं पा रही हूँ, लेकिन संतुष्ट भी नहीं हूँ उनकी चीजों से। सबसे पहले उनका कहना कि उस वशीकरण खंडहर का शुद्धिकरण करके वही वशीकरण करेंगे, उसके बाद जो उन्होंने किया वो आधा अधूरा, और सबसे भयानक चीज कि वो सुमेर को अपने साथ ही रखना चाहते हैं। सुमेर को? वाकई में? विक्की ने कहा, देखो मुझे कुछ ज्यादा तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन अगर तुम्हें कोई डाउट है तो तुम ध्रुव से बात कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारे इस तरह के डाउट का सोल्यूशन तुमको ध्रुव ही दे सकता है। ध्रुव कहाँ है आज? अब तक आया नहीं? ध्रुव का नाम लिया ही था कि ध्रुव आता दिखाई दिया। ध्रुव को देखते ही तारा जल्दी से ध्रुव की तरफ बढ़ी और बोली, ध्रुव मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ध्रुव बोला, हाँ बोलो क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो? तारा बोली, तुम्हें कुछ याद आया अपना पुराना देवदत्त वाले कोई साइट का, कोई इम्प्रूवमेंट दिख रहा है? ध्रुव ने कहा, सच कहूँ तो मुझे अभी भी बस झलकियां ही दिख रही हैं, कुछ खुलकर सामने नहीं आ रहा है। वैसे तुम ये क्यों पूछ रही हो? तारा ने कहा, नहीं वो दरअसल मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है, वो वशीकरण का जो भी प्रोसेस है उसमें मुझे कुछ अधूरा थोड़ा सा लग रहा है, तो बस इसलिए मैं पूछ रही थी कि अगर मैं नहीं समझ पा रही हूँ तो शायद तुम समझ रहे हो। विक्की ने तारा की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, मैं तुझे बताता हूँ बात क्या है। तारा को लग रहा है कि आदिनाथ जी जो चीजें कर रहे हैं वो सब कुछ बहुत अजीब है, तारा उन चीजों से सेटिस्फाइड नहीं है। ध्रुव ने तारा की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, बात यह है तारा कि वो सुमेर के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इस बात से तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। यकीन मानो अक्सर ऐसा होता है, इंसान को जो इंसान या जो चीज पसंद नहीं होती ना, उससे जुड़े कोई भी इम्पोर्टेंट चीज हो ना, तो उसमें भी हमें कुछ ना कुछ कमी दिखाई देती है, बस यही बात है। अब जैसे विक्की को देख लो, छलावा के लिए उसके मन में अगर कुछ नेगेटिव चीज बैठ गई है तो उसको हर चीज में छलावा की ही गलती लगती है। उसी तरह तुम्हारे मन में सुमेर के लिए जो नेगेटिविटी बैठी है ना, तो तुम्हें ये सारी चीजें भी कुछ अधूरी सी लग रही है। ध्रुव की इस बात पर तारा सिर्फ हाँ में सिर हिला कर रह गई। ध्रुव ने कहा, मैं हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाता हूँ। तभी जैसे तारा को कुछ याद आया और वो बोले, ध्रुव तुम जल्दी आओ, हमें कहीं जाना है। ध्रुव ने कहा, कहाँ जाना है हमें इस वक्त, शाम होने को आ गई। तारा ने कहा, हमें जुल्मी के घर जाना है। जुल्मी के घर का जिक्र आते ही विक्की और ध्रुव दोनों हैरान हो गए। विक्की ने पूछा, हम जुल्मी के घर क्यों जाएंगे? तारा बोली, वो मुझे नहीं पता, जुल्मी का फोन आया था तुम्हारे फोन पर, तुम थे नहीं तो मैंने रिसीव कर लिया था। जुल्मी बहुत घबराया हुआ था, परेशान था, कह रहा था कि हम सब उसके घर आए। जुल्मी परेशान था, घबराया हुआ था, ये सुनकर विक्की और ध्रुव के चेहरे पर भी टेंशन दिखने लगी। ध्रुव ने कहा,
ठीक है तुम लोग रुको, मैं तुरंत आता हूँ, फिर चलते हैं। पता नहीं क्या बात हो गई। इतना कहकर ध्रुव फ्रेश होने चला गया। जल्द ही ध्रुव फ्रेश होकर आया और तीनों ही जुल्मी के घर के लिए निकल गए। रास्ते में विक्की ने कहा, पता नहीं जुल्मी की लाइफ में भी क्या क्या चलता रहता है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, समझ ही नहीं आता। अभी कहां तो वो कल तक सजनी सजनी के नाम का रो रहा था, अब पता नहीं उसके घर पर क्या हो गया। जल्दी ये तीनों जुल्मी के घर के बाहर पहुंच गए थे। उसके घर का दरवाजा खुला ही हुआ था और भीतर से उसकी अम्मा के जोर जोर से बोलने की आवाज आ रही थी। उसकी अम्मा को इस तरह बोलता देख कर तारा ने बाहर से ही आवाज लगाई, अम्मा हम अंदर आ जाए। तारा की आवाज पर जुल्मी की अम्मा जल्दी से बाहर आई और इन तीनों को देख कर बोली, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, आओ भीतर आओ। जुल्मी की अम्मा गुस्से में लग रही थी। ये तीनों अंदर जैसे ही पहुंचे उन्होंने देखा जुल्मी चुपचाप एक कोने में खटिया पर बैठा हुआ है, उसके बगल में उसके बापू बैठे हैं। उसकी अम्मा गुस्से में बोलती जा रही थी। तारा ने पूछा, क्या हुआ है जुल्मी, तुमने हमें फोन करके बुलाया यहाँ? अम्मा बहुत गुस्से में लग रही है, सब ठीक तो है, कोई परेशानी की बात तो नहीं है? जुल्मी की अम्मा बोली, अरे ये क्या बताएगा, हम बताते हैं हम। अच्छा भला बड़ी हवेली में नौकरी लगा, हमको पता है तुम ही लोग इसकी सिफारिश किए थे, तभी उसको नौकरी लगा हवेली में। कितना घमंड का बात था हमारे लिए कि हमारा बेटा हवेली में काम करता है, बड़ी मालकिन पैसा भी ठीक ठाक देंगे। हम सोचे कि अब काम शुरू कर दिया है तो शादी वादी का भी बात करते हैं, अब हमारी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान तो बची नहीं है कि सुबह से शाम तक घिसते रहे। अपनी बहन से कहे थे और आज ही हमारी बहन एक लड़की का रिश्ता बताई थी, लेकिन जैसे ही हम शादी का चर्चा किए ये हमको जो बोला है उसके बाद तो हम हैरान ही रह गए। बताओ कह रहा है उस सजनी से शादी करेगा, उस लठैत मनवा की बहन से। अरे हमको तो समझ में नहीं आता है उसके दिमाग में ऐसी बात आ भी कैसे सकती है। जुल्मी की अम्मा के मुंह से ये सब सुनकर पहले तो उन तीनों ने जुल्मी को घूर कर देखा, क्योंकि ध्रुव ने जुल्मी को अच्छे से समझाया था कि जुल्मी हड़बड़ाहट में कोई भी फैसला ना करे, जब सब कुछ सेट हो जाएगा एक बार सजनी की तरफ से भी हाँ हो जाएगी तब ये लोग दोनों की फैमिली वालों से अपने तरीके से बात कर लेंगे। लेकिन जुल्मी हड़बड़ाहट में आकर अपनी अम्मा के सामने ये सब बोल गया था और अब जब उसकी माँ गुस्से में थी तभी जुल्मी के बापू बोले, अरे जुल्मी की अम्मा हमारा और मनवा का झगड़ा जब हुआ था वो बहुत पुराना बात है, तब में अब में बहुत अंतर हो गया है। अब हमारा जुल्मी भी क्या मनवा से कम है, वो भी बड़ी हवेली में काम करता है, एक बार बात करने में क्या जाता है, और सजनी कौन सी बुरी लड़की है, इतनी भली बच्ची है। जुल्मी के बापू इतना बोले ही थे कि उसकी अम्मा बोली, तुम तो चुप्पे रहो, हम सब समझते हैं, तुम्हारे ही साए में जुल्मी के दिमाग में ये सब बात गया है। हम कब बोले कि वो लड़की खराब है, लेकिन हमको उसका घर परिवार नहीं भाता है, और उसका भाई, उसके भाई को देखा है, हमेशा घमंड में चूर रहता है। नहीं नहीं हमारे घर में ऐसे परिवार की लड़की नहीं आएगी। और फिर जुल्मी की अम्मा ध्रुव विक्की और तारा को देखकर बोली, तुम लोगों को इसीलिए बुलवाया है, अब तुम लोग समझा दो इसको, वही शादी करना है जहाँ हम रिश्ता तय करेंगे, हमारी बहन जो लड़की बताई है इसकी शादी वहीं होगी, नहीं तो हम कुछ कर लेंगे, हम अपने जीते जी तो इसका शादी उस मनवा की बहन से नहीं होने देंगे। इतना कहकर जुल्मी की अम्मा घर से बाहर निकल गई। जुल्मी के बापू ने इन तीनों की तरफ देखते हुए कहा, बेटा तुम लोग बैठो, हम देखते हैं इसकी अम्मा कहाँ चली गई। इतना कहकर वो भी घर से बाहर निकल गए। विक्की ने जब देखा सब चले गए हैं तो वो जल्दी से गया और घर का दरवाजा बंद करके आया और ताली बजाकर हंसने लगा। विक्की को इस तरह हंसता देख जुल्मी ने उसको गुस्से में घूरा। जुल्मी को गुस्से में देख विक्की चुप हो गया और बोला, मानना पड़ेगा तेरी लव स्टोरी पे बहुत 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 ड्रामा है भाई, लव स्टोरी हो तो ऐसी ड्रामे फुल लव स्टोरी। अभी तक सजनी मानी नहीं कि अब अम्मा नाराज हो गई, मतलब गजब। जुल्मी ने कहा, अगर तुम्हारा हो गया हो तो बताओगे हम क्या करें? ध्रुव ने कहा, तुम शांत रहो, हम लोग पहले सजनी से पूछते हैं, वैसे जिस तरह से तारा बता रही थी सजनी की तरफ से हाँ ही है, फिर भी एक बार हम उससे पूछ लेते हैं और फिर हम कुछ प्लान करेंगे, लेकिन अभी के लिए तुम अपनी अम्मा को बोल दो कि अम्मा जो चाहती है वही होगा, समझे? रहा सवाल कि तुम्हारी अम्मा को सजनी से दिक्कत नहीं है, उसके घर परिवार से दिक्कत है, तो वो हम उनको समझाएंगे कि शादी लड़की से होती है घर परिवार से नहीं, और एक बार सजनी हाँ कर देगी ना तो इस काम में सजनी भी हमारा साथ देगी। तो फिलहाल तुम जाओ अम्मा से माफी मांगो और उनको बोलो वो जो चाहती है वही होगा, अम्मा की उम्र हो गई है जुल्मी, इस उम्र में उनका इस तरीके से टेंशन में रहना ठीक नहीं है। ध्रुव के समझाने पर जुल्मी अपनी अम्मा से बात करने चला गया और विक्की अपना सिर पीटते हुए बोला, क्या क्या करे इंसान, वशीकरण करे या शादी कराकर पुरोहित गिरी करे, कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि बंजारन को छोड़ सबसे पहले जुल्मी को ही मैं कैद कर दूं किसी शीशे किसी डिब्बे में, क्योंकि बंजारन तो आतंक फैला रही है लेकिन नाक में दम ये भी कम नहीं करता है। विक्की अपनी बात करता जा रहा था, तारा बस उसकी बातों को सुनकर हंस रही थी, लेकिन ध्रुव बिल्कुल खामोश हो गया था। तभी ध्रुव एकदम से बोला,
नीला मोती। नीला मोती? तारा और विकी एक साथ बोले, क्योंकि अचानक ध्रुव के ये कहने का मतलब उन्हें समझ नहीं आया। तारा बोली, क्या कहना चाहते हो? नीला मोती मतलब बंजारन के वशीकरण की सारी चीजें तो हो गई हैं, लेकिन ये नहीं अभी तक पता है कि उसको कैद किस में करना है। वो दिव्य पेड़ अब नहीं है तो उसे किसी चीज में तो कैद किया जाएगा ना। उसे हम नीले मोती में कैद कर सकते हैं, एक दुर्लभ मोती जो नीले रंग का होता है। नीले मोती का नाम सुनकर विकी अपना सिर खुजाते हुए बोला, नीला मोती पहली बार सुना है। मोती तो सफेद होता है, गुलाबी होता है, यहाँ तक कि लाल भी सुना है, लेकिन ये नीला मोती पहली बार सुन रहा हूँ। ध्रुव ने कहा, नीला मोती एक ऐसी दुर्लभ मोती है जो दशकों में सिर्फ एक बार ही बनती है, और वो किसी सीप में नहीं बल्कि एक फूल में पाई जाती है। हमें वशीकरण के लिए उस नीले मोती की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दिव्य पेड़ की जड़ों में जो दिव्यता थी वही उस नीले मोती में है, और उसी नीले मोती में ताकत है उस बंजारन को कैद करने की। विकी ने पूछा, और तुझे अचानक ही कैसे याद आया? और चल ठीक है, अगर तुझे याद आया भी तो वो मोती होता कहाँ है, कहाँ मिलेगा? ध्रुव मायूसी के साथ बोला, मैं नहीं जानता, तुमने अचानक कैद की बात की तो मेरे दिमाग में उस मोती का ख्याल आया तो मैंने बोल दिया, लेकिन वो मिलेगा कहाँ ये मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, मुझे इतना जरूर याद आ रहा है कि मैंने उसे कहीं तो देखा है। तारा बोली, तुमने नहीं, देवदत्त ने उसे कहीं देखा है, और अगर तुम कह रहे हो तो हमें उस मोती को ढूंढना होगा।